कुछ दिन पहले बॉलीवुड के एक उभरते हुए स्टार हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए और उसके कुछ दिन बाद एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म दिल बेचारा की और हम बात कर रहे हैं फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत के। फिल्म के ट्रेलर को देखते हुए ऐसा लगा जैसे वो यहीं है, अभी भी जिंदा है, लेकिन जो सच्चाई है उसे हम बदल नहीं सकते। जी हाँ, दिल बेचारा फिल्म के लीड रोल में है सुशांत सिंह राजपूत और संजना। इस फिल्म के ट्रेलर पूरी तरह से रोमांटिक और इमोशनल से भरा हुआ है और ट्रेलर को देखकर पता चलता है कि इसकी कहानी एक्चुअली में क्या होने वाला है। जब कोई इंसान हमारे बीच रहते हैं तब उसके काम को देखकर उसके तारीफ के साथ साथ उसके कमियां भी निकाले जाते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तब उसके कमियों को लोग नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे एक महान स्टार बना दिया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत अभी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद लोगों ने बहुत सारे अच्छे कमेंट्स किए हैं और अगर वो जिंदा होते तो शायद उस कमेंट बॉक्स में एक आध नेगेटिव कमेंट्स भी जरूर होता। इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च होते ही 98 मिनट में 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी फिल्म का ट्रेलर 98 मिनट में 1 मिलियन बार देखा गया हो। मानो सुशांत सिंह राजपूत को लोगों ने एक ट्रिब्यूट दिया है। बॉलीवुड में इस तरह का फिल्म पहले भी कई बार बन चुके हैं, जहां हीरो और हीरोइन के अंदर किसी एक को कैंसर हो जाना, फिर वो मर जाता है या फिर बच जाता है, जो भी हो, इस तरह का कहानी पहले भी फिल्मों में डाला गया है। लेकिन इस कहानी को इस फिल्म में किस तरह दिखाया गया है ये तो फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ट्रेलर को देखते हुए आप इमोशनल जरूर हो जाएंगे, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया लड़की इस दुनिया से जाने वाली है, जबकि रियल लाइफ में लड़का इस दुनिया से जा चुका है और शायद यही वजह है लोगों को और ज़्यादा इमोशनल कर जाते हैं। द डार्क नाइट फिल्म में जोकर के रोल करने वाला महान एक्टर हीथ लेजर ने ऑस्कर विनिंग इस परफॉर्मेंस को वो खुद भी नहीं देख पाए। द डार्क नाइट की जब एडिटिंग चल रही थी तभी वो दुनिया को अलविदा कह गए और ऐसा ही हुआ सुशांत सिंह राजपूत और दिल बेचारा फिल्म के ट्रेलर में। इस फिल्म को कितने अवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिल्म हिट होगी सुपरहिट होगी, ये तो आने वाले वक्त ही बताएगा, लेकिन सच्चाई ये है सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच नहीं रहे और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि इस फिल्म के हीरो को हम दोबारा फिर कभी नहीं देख पाएंगे, यानी कि ये इनके आखिरी फिल्म है। इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत के एक्टिंग को देखकर ये जज कर पाना मुश्किल है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया या नहीं, क्योंकि उस चेहरे को हम फिर दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत के एक्टिंग के बारे में बात करें तो संचरिया और छिछोड़ा जैसे फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन काम किया है। संजना संगी का काम भी इस फिल्म में काफ़ी अच्छा लगा। संजना को एक अच्छा मौका मिला और इस मौके का फ़ायदा कितना उठाती है ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। अब इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, बस इंतज़ार है इस फिल्म के रिलीज़ होने का। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नया एपिसोड के साथ।